हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं पूर्णा सा गुजरात नडियाद से आ रही हूँ और अमूल पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बच्चों के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ और एकदम क्विक रेसिपी है और कोई भी इसे बना सकता है। कोई ट्रिकी इसमें है ही नहीं। जो आपके पास आप प्री प्रिपरेशन करके रखते हो तो विद इन 10 से 15 मिनट में ही बन जाने वाली रेसिपी है। आज मैं एक बेक करके बनाने वाली रेसिपी ले रही हूँ। तो आज मैं टैको कप ले रही हूँ। तो कप के लिए आप शीट बनाने वाले हम शीट बनाने वाले हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने राजमा लिया है, ये अमूल का ऑर्गेनिक राजमा है। ये बहुत ही अच्छा चित्रा राजमा है, बहुत ही अच्छा रहता है, कुक भी जल्दी हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, नटी इसका टेस्ट होता है। बाकी राजमा की तरह इसका टेस्ट नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका लगता है। तो मैंने ओवरनाइट इसे भिगो के रखा था गर्म पानी में और फिर मैंने 6 से 7 विसल में कुकर में सॉल्ट डाल के कुक कर लिया है। ये कुक भी बहुत जल्दी हो जाता है, आप देख सकते हो ये बहुत ही मैसी हो जाता है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हमें जितना जैसा चाहिए वैसा ही है। ये अमूल की प्रोसेस चीज है, ये अमूल की मोजरेला चीज है जो क्यूब में आती है वो है। ये तीनों कलर के बेल पेपर से ये कटा हुआ टमाटर है, ये अनियन है चॉप की हुई, ओरिगानो है, पेपरिका है। ये मैंने टाको सीजनिंग लिया है, आप इसके जगह मैक्सिकन सीजनिंग भी ले सकते हो और कुछ ना हो तो आप ये दोनों भी ले सकते हो और बेल पेपर्स की जगह आप कैप्सिकम अकेला ग्रीन हो तो भी आप ले सकते हो। और गार्निशिंग के लिए मैं ये सब यूज करेंगे, केचप यूज करेंगे, धनिया पत्ती यूज करेंगे। और ये सीप है जो मैंने पहले आपको बोला था कि हम घर पे बनाने वाले हैं। वॉन्टन की सीट तो यूं होती है, बाजार में मिलती है, लेकिन मैंने ये घर पे बनाई हुई है, ऐसी होती है, इतनी पतली होती है। हम बाद में इसे भी बनाएंगे पर पहले हम अपनी रेसिपी के ओर चलते हैं। ऐसी ट्रे लेनी है, ये मेरी मफिन की ट्रे है। मफिन की ट्रे की जगह आप कोई भी छोटी छोटी कटोरी भी ले सकते हो या चाट के जो मोल्ड होते हैं वो भी आप ले सकते हो। पहले हम थोड़ा ये सब मिक्स कर लेते हैं अपने स्टफिंग के लिए। राजमा है, थोड़ा मैश कर लेंगे हम। बहुत ज्यादा हमें मैश नहीं करना है लेकिन थोड़ा करेंगे तो हमारी कटोरी जो हमारा कप है छोटा है तो इसमें ये अच्छी तरह फील नहीं होगा जो बड़ा हो तो इसीलिए हम थोड़ा इसे मैश कर लेते हैं। कटा हुआ टमाटर है 1 टेबलस्पून जितना मैं अभी ले रही हूँ। ये बेल पेपर से तीनों कलर के, मैक्सिकन डिश बहुत ही कलरफुल होती है तो हमें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए अच्छी है और टेस्ट तो इसका अमेजिंग होता है तो जरूर हमें लेना चाहिए। ये अनियन है, ये भी मैं 1 टेबलस्पून ले लेती हूँ। इसके अलावा भी आपके ब्रोकली बॉयल की हुई ले जा सकती है, बॉयल किया हुआ जो कॉर्न आता है वो भी आप ले सकते हो। सीजनिंग कर देते हैं। मैंने ओवन को 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने को रखा था तो मेरा ओवन प्रीहीट हो गया है। इस रेसिपी को बनाने से पहले हमें प्री प्रिपरेशन में ये सब तैयार करना है। राजमा को हमें भिगा कर 10 घंटे तक भिगा कर हमें बॉईल कर लेना है, चीज को हमें ग्रेट कर लेना है, ये चॉपिंग कर लेना है और ओवन को प्रीहीट करना है और ये सीट भी हमें पहले से बनाकर क्लीन फिल्म में रख सकते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट में हो जाने वाली रेसिपी है, बच्चों
कि स्कूल अब चालू हो गई है तो स्कूल से बच्चे आए तो छोटी मोटी भूख लगती है, तो इसमें भी आप इसे दे सकते हो। ये मैंने वॉन्टन मैदे से बनाई हुई है ये सीट। इसकी जगह आप रोटी घर में हो तो रोटी को भी 4-5 घंटे पहले रोटी बनाई हुई हो तो इसे भी आप ऐसे स्क्वायर करके, हेल्दी वर्जन करना हो तो आप टॉर्टिया या रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून जितना, अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हो। बच्चों के लिए है तो इसे ओमिट भी कर सकते हो। ओरेगानो है ये 1/4 टीस्पून जितना है। ये मैक्सिकन टाको सीजनिंग है, ये मैं 1/2 टीस्पून जितना लेती हूँ। इसका ही टेस्ट इस रेसिपी में ज्यादा आने वाला है। सॉल्ट मैं वेजिटेबल का ही लेती हूँ क्योंकि राजमा में तो हमें कुक करते टाइम लिया हुआ है तो संभाल के लेना है, क्योंकि आगे हम चीज भी लेने वाले हैं तो सॉल्ट का प्रोपोर्शन आप जरूर ध्यान में रखना। हमें ये ज्यादा मैसी, ज्यादा मॉइस्चर वाला नहीं करना है क्योंकि हम जब बेक करेंगे तो वॉन्टन जो हमारी जो सीट है ना इस वो सॉगी हो जाएगी, बहुत ये सॉगी होगा, बहुत इसमें मॉइस्चर होगा। तो हम बाद में सीजनिंग के टाइम सब करेंगे, अभी हम इतना ही रखते हैं। टॉपिंग हम फिर करेंगे, इसमें हम हमारा मॉइस्चर ले लेंगे। सॉर क्रीम ले जा सकती है, क्रीम चीज ले जा सकती है। हम आज केचप लेने वाले हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो इसी तरह हम इसे थोड़ी सॉसी रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं लेना है, बाद में हम ये लेंगे। तो हमारा ये टॉपिंग स्टफिंग तैयार हो गया है। इसे मैंने थोड़ी ग्रीस कर ली है ऑलिव ऑयल से, आप बटर से भी कर सकते हो। अब हमें ऐसी सीट लेनी है और ऐसे हमें इसे रख देना है। थोड़ा स्टफिंग लेंगे, दोनों तरह की हम चीज लेंगे। आप इसकी जगह जो सीट आती है ना वो भी आप ले सकते हो, चीज की स्लाइस वो भी आप ले सकते हो। ये मोज़रेला है, आप अपने हिसाब से ये सब कम या ज्यादा कर सकते हो। ये बहुत ही वर्सिटाइल और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। फिर से ऊपर एक सीट हम रख देते हैं, ऐसी रखी है ना तो हम इसे ऐसे रखेंगे, थोड़ा कट कर लेंगे हम। फिर से थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे, फिर से हम ऊपर चीज लेंगे। दूसरी सीट ले लेते हैं, फिर से हम ये सब रिपीट करते हैं। के साथ हम सूप या कुछ जूस वगैरह ले ले तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और टमी फीलिंग भी हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाएगा। तो
आप इसे जरूर ट्राई करना। ऐसे हम एक सीट ले लेते हैं। दोनों प्रकार की चीज लेते हैं। बच्चों को बहुत मजा आएगा, बच्चों को भी इसमें हेल्प ले सकते हो तो बच्चों को और मजा आएगा। मैंने आज मैक्सिकन लिया है, आप इसकी जगह अपना इंडियन कोई वर्जन भी ले सकते हो, जैसे समोसा का फीलिंग हो गया या इटालियन चाइनीज कोई भी इसमें फीलिंग आप ले सकते हो। एक बहुत ही अच्छा हमारा ये पार्टी के लिए एपिटाइजर तैयार हो जाएगा, तो इसे जरूर ट्राई करना। बहुत अच्छा टेस्ट तो है ही, दिखने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसे बेक करके आती हूँ। मैंने 160 पर 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है और मैं इसे 15 मिनट तक बेक करूंगी। बेक करने रख कर मैं आपको ये स्वीट मैंने कैसे बनाई है वो मैं दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें एक बड़ा वाला चकला चाहिए और मैंने एक घंटे पहले इसे बना लिया था। इसमें मैंने ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा लिया है, सॉल्ट लिया है और पानी से ऐसा मीडियम जैसा, मीडियम होता है ना पूरी जैसा, इससे थोड़ा ज्यादा मैंने हार्ड रखा था, ऐसा मैंने डो तैयार कर दिया है और इसे अच्छी तरह मैंने मल लिया है। आप इसमें से आपको जितनी चाहिए उतनी आप रोटी बेल सकते हो, जितनी साइज की चाहिए। पतली एकदम रखनी है तो हमें बहुत बड़ा ये लुई नहीं लेनी है। इसे हम थोड़ा फ्लोर लेके बेल लेते हैं। एकदम पतली, जितनी हो सके उतनी हमें पतली सीख बेलनी है तो क्रिस्पी अच्छी तरह होगी। जितनी पतली होगी इतनी हमारी क्रिस्पी होगी। इसे आप 2-3 दिन पहले भी क्लीन फ्रेम में रखकर एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रीज में छोड़ सकते हो। तो आपका ये एपिटाइजर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा।
कोई भी पार्टी में इसे आप सर्व कर सकते हो। ये गर्म भी बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा ठंडा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए हमें मॉइस्चर इसमें कम रखना है। बाद में हम ऊपर से टॉपिंग में सब ले सकते हैं, लेकिन इसमें अंदर स्टफिंग में हम ज्यादा मॉइस्चर वाली चीजें नहीं लेंगे। ये मैदा है तो फिर से वापस आ जाएगा, तो इसीलिए हमें बहुत ही पतली सीट रखनी है और हो सके तो रेक्टेंगल लेना या स्क्वायर, तो फिर हमें ज्यादा हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा। चिपक रहा है ऐसा लगे तो थोड़ा डस्टिंग कर लेना। किनारियों से हमें मेलना है। इससे हम समोसा भी बना सकते हैं, बेक समोसा। समोसा की तरह हमें कोन बनाकर इसमें स्टफिंग भरकर समोसा, इसीलिए ये सीट भी वर्सेटाइल है। आप कोई भी इसमें स्टफिंग करके कोई भी शेप देकर बेक कर सकते हो या तल भी सकते हो। थोड़ा टाइम जाएगा वरना ये एकदम क्विक हो जाने वाली रेसिपी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये आप पहले से तैयार करके रखोगे तो कोई एक्स्ट्रा टाइम हमारा नहीं जाएगा और बहुत ही क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। गेस्ट या बच्चे आए तभी आप ओवन को प्रीहीट करके इसमें ये रख दो, तो 15 मिनट में जब बच्चे फ्रेश होकर आ जाए तब तक तो हमारा ये एपिटाइजर तैयार हो गया होगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करना। इतना पतला हमें बेलना है, दिख सकते हो अपनी उंगलियां दिख सकती है, इतना पतला बेलना है। जितना हो सके इतना पतला बेलोगे तो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब हम इसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप दे देंगे। इसी तरह भी आप इसे स्टोर कर सकते हो या अपने हिसाब से जितना चाहिए अपने मोल्ड के लिए वैसा भी आप बना सकते हो। ऐसा करके हमें ऐसी कोई क्लीन फिल्म होगी या कोई भी ऐसी सीट हो या कोई भी हमारी प्लास्टिक की बैग हो जिपलॉक वाली, इसमें आप ऐसे स्टोर करके कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो, तो 2 दिन तक इसे कुछ नहीं होता। मैं तो 2 दिन कम बोल रही हूँ, ज्यादा भी चल जाता है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा फ्रेश ही बनाना चाहिए।
तो इसी तरह आप घर पर भी ये बना सकते हो। मैं फिर से रेसिपी दोहरा देती हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। इसके लिए मैंने अमूल का ये चित्रा राजमा लिया है। ये बहुत ही अच्छा होता है और कुक भी जल्दी हो जाता है। तो आधी कटोरी ले लो आप, तो वन कटोरी बॉईल होने के बाद हो जाता है। तो आधी कटोरी मैंने ये राजमा उबलते हुए पानी में डालकर 7 से 8 घंटे तक रखा था और फिर मैंने कुकर में सॉल्ट डालकर इसे कुक कर लिया था। तो ये मेरी एक कटोरी हो गई है। प्रोसेस चीज अमूल का लिया था और मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। ये मोजरेला है अमूल का, जो डाइज आती है चीज ये है। ये कुछ मैंने सब्जियां ली है, ये बेल पेपर से तीनों कलर के चॉप किए हुए। ये मैंने टमाटर लिया हुआ था, चॉप अनियन है, सॉल्ट है, ओरिगानो है, चिली फ्लेक्स है और ये टाको सीजनिंग है। सभी को मैंने एक बाउल में इसी तरह मिक्स कर लिया है और फिर मैंने ये सीट बताई उसी तरह सीट मैंने कंटेनर में या कोई भी आपकी कटोरी हो या आपका जो मफिन मोल्ड हो इसमें सेट करके मैंने ये स्टफिंग लिया। फिर ऊपर दूसरी सीट रखी, ऊपर मैंने ये चीज दोनों डाली, फिर ऊपर मैंने दूसरी सीट रखी, फिर मैंने ये स्टफिंग लिया। इसी तरह मैंने दो लेयर किए हुए थे और प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री पर मैंने 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट किया हुआ था और 15 मिनट के लिए मैंने इसे रखा है। अब 5 मिनट में हमारा हो जाएगा। तब तक के लिए कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो। और मैंने ये सीट कैसी तरह तैयार की है, ये इसके लिए मैंने ये मैदा लिया है ऑल पर्पज 4 फ्लोर। इसमें मैंने सॉल्ट डाला था और पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला था और मैंने एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार किया हुआ था। और आधा घंटा या एक घंटा, आपके पास टाइम हो तो एक घंटा हमें इसे छोड़ देना है, रेस्ट देना है। फिर इसकी हमें मैदे का डस्टिंग करके पतली सीट बना देनी है। पतली सीट बना के हमें इसे स्क्वायर पीसीस में कट करके ऐसे हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसे क्लीन फिल्म या कोई भी जिप्लॉक में डालकर एयरटाइट कंटेनर में हम रख सकते हैं। इसी तरह मैंने ये तैयार किया हुआ है। मैं देख कर आती हूँ हो गया है या नहीं। ये मेरा तैयार हो गया है। मैंने 15 मिनट के लिए रखा था लेकिन 3 मिनट पहले ही मेरा हो गया। तो आप भी इसी तरह देखते रहना, कई बार जल्दी भी हो जाता है। ओवन के ऊपर भी है कि कितनी देर में आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको लाइट पिंक हो तब तक इसे बेक करना है। थोड़ा ठंडा होने पर मैं इसका प्लेटिंग करती हूँ।
अभी थोड़ा गरम है। मैं आपको दिखाने के लिए गरम गरम कर रही हूँ, लेकिन आप इसे ठंडा होने पर ही करना। थोड़ा केचप रख देती हूँ। मैंने बोला था ना कि बाद में हम इसमें मॉइस्चर लाएंगे, तो केचप है, सोर क्रीम है या क्रीम चीज है, सभी हम बाद में ले सकते हैं, पहले हमें नहीं लेनी है। ऊपर से हम थोड़ा टैको सीजनिंग ले लेते हैं। पेपरिका ले लेते हैं। धनिया पत्ती, इसकी जगह आप बेसिल मिले तो ये भी ले सकते हो, या पार्सले सिलेंडर कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी चीज। तो आपने देखा ना किसी इतना अच्छा हमारा ये एक स्टार्टर तैयार हो गया है। आशा रखती हूँ सभी को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अमूल की टीम, शशांक सर, अभिषेक सर, दीपा मैम, सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।